हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माहीज वर्ल्ड। आज बहुत ही अच्छा मौसम बना हुआ था और इतनी प्यारी हल्की हल्की हवा चल रही थी, तो मैंने सोचा छत पे जाके थोड़ी सी वॉक करूं और वीडियो भी बना लूं, आपको भी अपने साथ शामिल कर लूं। और बहुत ही अच्छा मौसम था तो इन्जॉय करने आई हुई थी मैं ऊपर, तो आप भी मेरे साथ इन्जॉय करें। ये देखें, सूरज भी अभी जाने लगा है, बस मध्यम सी रोशनी हो गई है इसकी और असर का टाइम हो रहा है इस वक्त। और ये है जी हमारा एरिया, और ये देखिए हमारी छत से ना ये PSO का जो पेट्रोल पंप है वो भी नज़र आता है। पेट्रोल पंप नज़र नहीं आता, PSO लिखा हुआ नज़र आता है। ये देखिए है काफ़ी दूर, कबूतर भी बड़े मज़े में देखिए एंजॉय कर रहे हैं मौसम को। और एक बात जी मैं आपको ये दिखाती हूँ, ये देखिए अरफा क्रीम टावर भी यहाँ से नज़र आता है। वाओ, ये देखिए ये भी काफ़ी दूर है पर नज़र आता है। ये हमारे घर की दूर इस साइड पे हो जाता है। और हमारे घर के पास एक बहुत ही अच्छा स्टोर है, फाइन स्टोर, ये देखें वो भी नज़र आ रहा है वो दूर। ये देखें हमारे घर से क्या क्या नज़र आता है, हमारे घर से नहीं हमारे घर की छत से। मौसम बहुत अच्छा है तो मौसम का तकाजा ये है कि अभी हमें भूख लग गई और हम कुछ खा लें, तो हम नीचे चल के कुछ बनाते हैं। आज हम चिप्स बनाएंगे, फ्राइज मैकडोनल्ड स्टाइल या KFC वाले, आप घर बैठे चिप्स बनाएं। ओके जी, तो अब हम आ गए हैं नीचे, अब हम बनाएंगे। आलू जो है वो मैंने काट लिए हैं, वो मुझे मेरी अम्मी ने काट के दिए हैं पतले पतले प्यारे प्यारे। तो सबसे पहले हमने एक बर्तन में पानी डालना है और इसमें हम जो आलू हमने काटे हैं वो इसमें बॉयल करेंगे। तो ये रहे जी आलू, ये देखें इतने प्यारे प्यारे तराश तराश के काटे हैं हमने। तो अभी हम इसमें डाल के इसको बॉयल करेंगे और इसके साथ ही हमने इसमें डाल देना है 1 टीस्पून नमक, ताकि जो आलू हैं इसमें नमक शामिल हो जाए और ये ना नमकीन से बने। अब हमने इसको बॉयल होने के लिए छोड़ देना है, इसको हमने सिर्फ 2 बॉयल आने देने हैं और ज़्यादा नहीं उबालते रहना कि ये बिल्कुल ही गल जाए। सिर्फ 2 बॉयल आने के बाद हम इसको निकाल लेंगे। ये देखिए ऐसे हुए हैं, तो बस अब हम इसको उतार देंगे और इसको छान लेंगे, पानी निकाल लेंगे इसका। और अब हम इन पे हल्का सा नमक छिड़क देंगे, क्योंकि पहले जब उबाला था तो इसमें डाला था, अब हम हल्का हल्का इस पे नमक डालेंगे। इसके बाद हम इस पे डालेंगे काली मिर्च बिल्कुल थोड़ी सी जायके के लिए, इसी हुई काली मिर्च डालेंगे हम। एंड में जो है हम इस पे डालेंगे कॉर्नफ्लोर, जिसका जायका बहुत ही अच्छा होता है। और इसको अब हम मिक्स करेंगे, और बेसन वेसन कुछ नहीं डालना, सिर्फ कॉर्नफ्लोर डालना है और इससे बहुत ही मज़े की बनती है। उसके बाद ये एक बर्तन में हमने लेना है घी या ऑयल। अब ये अच्छे से गर्म होगा तो हम इसमें ट्राई करने के लिए एक डाल के देखेंगे फ्राइज कि ये गर्म हुआ है या नहीं, पर ये नहीं हुआ अभी तक, तो अभी हम थोड़ा और वेट करेंगे और फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे सारी फ्राइज, सारी नहीं जो इसमें भी आ सकेंगी वो डालेंगे, और 3 पोर्शंस में हम इसको कंप्लीट कर देंगे। तो जी ये देखिए, और फ्राइज़ बनाने में सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो होती है वो ये होती है कि जब आप इसको डालें तो इसको 2-3 मिनट के लिए बिल्कुल भी चम्मच ना हिलाएं और इसको छोड़ दें वैसे ही, और 3-4 मिनट के बाद इसको आप हिलाएं, क्योंकि अगर आप फ़ौरन हिला देंगे तो जो फ्राइज़ होती हैं वो बिल्कुल भी नहीं गलती और वो सख्त सख्त रह जाती हैं। तो ओके जी, ये हो गई हैं रेडी। तो इतना पकाना था हमने इसको। तो ये थी KFC वाली या मैकडोनल्ड वाली फ्राइज़, क्योंकि उनकी जो होती हैं वो बड़ी ही टाइट सी होती हैं, और वैसे अगर हम बिना बॉयल किए इसको बनाएंगे तो ये बड़ी ही मुरझाई हुई और सैगी सी बनती है। तो ओके जी, ये हो गया रेडी। अब हम इसको टेस्ट करते हैं कि कैसी बनी है, और ये बहुत ही कमाल की बनी है, बहुत अच्छी बनी है। आई होप आपको भी अच्छी लगेगी इंशाल्लाह। तो यहाँ पे होता है जी मेरी आज की वीडियो का एंड। आई होप आपको ये जो है मेरी वाली रेसिपी फ्राइज़ बनाने की अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।